नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें हम तीन कैटेगरी में कंप्यूटर को बांटा था। पहली कैटेगरी थी हमारी जो जनरेशन के आधार पर, वो पीढ़ियों के आधार पर और कार्य के आधार पर, और हम तीसरी कैटेगरी थी साइज यानी आकार के आधार पर। कंप्यूटर को तीन वर्गों में बांटा था। आज हम आगे की बात करेंगे जनरेशन की। जनरेशन जितने भी पीढ़ी हैं, आज वर्तमान में पांचवी पीढ़ी है, तो हम एक एक करके पीढ़ियों को पढ़ेंगे। तो कौन सी पीढ़ियों में इलेक्ट्रॉनिक घटक आए कंप्यूटर के, कौन सी पीढ़ी में इनपुट डिवाइस आए, कौन सी पीढ़ी में प्रोसेस आए, कौन सी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कौन सी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज आई, हम उसकी बात करेंगे। तो किस तरह से हमारा कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया, तो हम उस सब की बात करेंगे। तो हम आज प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे। तो हम चलिए प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं। पीढ़ियाँ, हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। उसका काल फर्स्ट जनरेशन का है 1942 से 1955। जनरेशन का काल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके अंदर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो है वैक्यूम ट्यूब। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जॉन एम्ब्रोस ने किया। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब। और फर्स्ट जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड उपयोग किया गया, पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया। हरमन होलेरिथ, ये वही हरमन होलेरिथ है जिसने टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है ना, और इनपुट की बात हो गई, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हो गया, इसमें लिखना लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और दूसरा नाम उसको डिजिट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको 0 और 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये उनके नाम है जो एग्जाम में अलग अलग नामों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन
ऐसा हो सकता है कि ऐसी लैंग्वेज या कंप्यूटर का बिना अनुवादक समझा जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साधारण सी मशीन लैंग्वेज है जो तो 0 और 1 पे काम करती है, ठीक है। और उसके कंप्यूटर की बात करें तो उसके प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे तो उसकी बात कर लेता हूं मैं। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, मारक फर्स्ट, एडवेग, यूनिवेग, एडसेक, एडवेग, यूनिवेग, एडसेक, एडवेग, इनवेग, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है। अक्सर आप खास तौर से ध्यान रखिएगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब है। जॉन एब्रूस फ्लेमिंग ने उसका आविष्कार किया था 1904 में। इनपुट के लिए पंचकार्ड का आविष्कार किया गया था, जो इसका आविष्कार हरमन हॉलिट ने किया था। और इसमें लैंग्वेज के लिए मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की, तो हम इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का 1900 55 से 1964 तक माना जाता है, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी के अंदर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? ट्रांजिस्टर। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? ट्रांजिस्टर। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार क्या था? विलियम शॉकले, जॉन है। इसका आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। और इसमें मेमोरी थी, मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन की भाषा असेंबली। और एक भाषा थी कोबोल और एक थी फोरट्रान। फोरट्रान, ठीक है। ये मुख्य उसकी सेकेंड जनरेशन की भाषा थी। कोबोल थी, उसकी फुल फॉर्म लिख लो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोरट्रान की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन
ये जो कोबोल मशीन, ये कोबोल लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई भाषा है, व्यवसायिक आदमी की भाषा है, और फोर्ट्रॉन है जो हमारे वैज्ञानिक है, गणितीय भाषा के लिए बनाया गया लैंग्वेज है। तो लिखता हूँ यहाँ पे, एरो को निशान लगा के, व्यावसायिक कार्यों के लिए, तो मूल भाषा को व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया था, और फोर्ट्रान गणित या वैज्ञानिक कार्यों के लिए, ठीक है ना। सुन, खास तौर के याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन है, और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर है, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया है, और इसके बाद में हम उसकी कंप्यूटर्स हैं, कौन कौन से कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के हैं उसकी बात कर लेते हैं। और एक और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद में जो ट्रांजिस्टर, इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हो गया है, इतना छोटा तो नहीं हुआ है, बहुत छोटा आकार तो आइस चिप के आविष्कार के बाद में हुआ था, लेकिन ट्रांजिस्टर के बाद हम कह सकते हैं कि उसका आकार कुछ छोटा हुआ है, ठीक है। तो उस कंप्यूटर के प्रकार उसके, IBM 700, IBM 1400, IBM 1401, और IBM 360। IBM 1401 है, इसका क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि यह कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। ऑप्शन में आता है प्रथम, द्वितीय, उत्तरती या चतुर्थ पीढ़ी। तो आपको याद रखना चाहिए कि IBM 1401 है जो तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसी तरह है, यही इसी टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे, आपने देखा भी होगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ था, या उसका सेकेंड जनरेशन का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, या फिर सेकेंड जनरेशन में मेमोरी का घटक क्या था, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, क्या असेंबली का किया गया था, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, इन भाषाओं का उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया गया था। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन उन टॉपिक्स में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज हम दो जनरेशन की बात कर लिए, आगे हम सेकेंड थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, और उसके बाद में फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की हम बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप जो हमारी स्टडी है आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।